Krishna Hare Hare। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद में सुख परीक्षित संवाद। परीक्षित महाराज का प्रश्न था, म्रियमानस्य यत् कार्यम् पुरुषेश्य यह सर्वथा। मरणशील मृत्यु के द्वार पर बैठे मनुष्य को श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज का प्रश्न का प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी जब उनका प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, कई सारे श्लोकों के माध्यम से परीक्षित महाराज ये कहने चाह रहे थे, जैसे सुतु गोस्वामी जी ने कहा, सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे। सुखदेव जी भी भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति अर्पण करने के लिए बोल रहे हैं। सुखदेव जी बोलते हैं, ये तो निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां निपुनिर्नीतम् हरेर नामानुकीर्तनम्। ये तो निर्विद्यमानानां, तुम जैसा निर्वेद प्राप्त है, निर्वेद मतलब संसार से क्षिप्त होकर, संसार क्लेश से जर्जरित होकर, जब किसी के मन में त्याग का भावना आता है उसको बोलते निर्वेद। आज तुम मुनि पुत्र का साप, सप्तम दिन में तुम्हारा मृत्यु होगा सर्पदंशन में, उसके कारण तुम्हारा अंदर निर्वेद आया और तुम यहां पर बैठे हो देश के राजा होते हुए, तुम्हारा अंदर त्याग आया, तुम्हारा अंदर भय आया, तुम्हारा अंदर संसार में कुछ है नहीं ऐसा अनुभूति आया। ये तो निर्विद्यमानानाम, इस प्रकार इस संसार में मनुष्य भ्रमण करते करते संसार में क्लेश पाते पाते जैसा कोई निर्वेद प्राप्त होते हैं, अनुतप्त होते हैं, संसार के असारत्व को समझते हैं, उसके लिए योगीगण मुनिगण ऐसा विधान दिया, हरि नामानुकीर्तन, हरि नाम हरि जस कीर्तन करो, हरि नाम जप करो। हरि का नाम बड़े आदर के साथ, बड़े एक ज्ञान के साथ उसको जप करो, हरि का चिंतन करो, हरि का नाम कीर्तन करो, इससे कोई श्रेष्ठ पथ नहीं है। सुख के ओर, शांति के ओर, भगवान के ओर जाने के लिए और कोई पथ नहीं बचा। जोगिनांग निपुनिर्नीतम हरेर नामानुकीर्तनम, हरिर नाम का अनुकीर्तन करो, गाओ, सुनो, सुनकर उसको अनुकीर्तन करो, बोलो, अनुक्षण कीर्तन करो या तो अनुगत्य से कीर्तन करो। सुखदेव जी आगे जाके कहते हैं, एवं सचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रिय अर्थ भगवान अनंत। यदि तुम्हारा मन में ऐसा प्रश्न हो
कि भगवान कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कितना दूर में है, हम कितना नीचे है। सुखदेव जी बोलते हैं तुम्हारा हृदय के अंदर बैठे हुए है हृदय राज रिस्पॉन्स। तुम तुरंत उनको पुकारो, तुम तुरंत उनके पास कुछ निवेदन करो, प्रार्थना करो, तुरंत आंसर देगा। भीतर में बैठे हुए दूर नहीं है। माता पिता के साथ लड़का का दूरी है, पढ़ाने के लिए कनाडा भेज दिया है, बहुत दूर में है, लेकिन हमारा प्रभु हर वक्त हमारा साथ है, अंतर्जामी रूप से बैठे हुए। सुखदेव जी पॉइंट आउट किया, परीक्षित तुम्हारा हृदय में बैठे हुए अंतर्जामी भगवान सत सिद्ध तत्व, उनको किसी ने बुलाया नहीं, तुमने नहीं बुलाया, उस सत सिद्ध रूप से जैसा ही तुम पैदा हुए हो तुम्हारा साथ बैठ के तुमको गाइड करने के लिए, तुमको प्यार करने के लिए, तुम्हारा कल्याण के लिए वो तुम्हारा साथ आ गया, बैठ गया तुम्हारा हृदय के अंदर। प्रत्येक जीवों के हृदय में बैठे हैं, हम उनको मानते नहीं हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनको बुलाने का प्रोसेस हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा साथ वो है हमेशा। देखिए कोई बुरा काम करेंगे तो भीतर से नॉक करेगा, ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा काम करिए, देखिए आपको कैसे उत्साह देगा भीतर में बैठकर। कई बार अहंकार के बस होकर हम उनका आवाज को सुन नहीं पाते हैं। एवं सचित्ते सतएव सिद्धो, तुम्हारा चित्त के अंदर सत सिद्ध तत्व भगवान, उनके नाम है अनंत भगवान, एवं सचित्ते सतएव सिद्ध भगवान अनंत तं निवृत्त नियतार्थ संभजेत। भगवान तुम्हारा अंदर बैठे है, वही तुम्हारा एकमात्र अर्थ है, वो अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनके क्रिया अनंत है, उनका शक्ति अनंत है और उनके भक्त अनंत है। तं निवृत्त संन्यतार्थ भजे, तो तुम संसार से निवृत्त होकर हृदय से संसार के विषय को छोड़कर संसार हेतु परमश्च जच्च, उसका भजना करो जिससे संसार पार हो जाओगे, संसार से उद्धार हो जाएगा, संसार क्लेश से तुम मुक्त हो जाओगे। एवं सचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थ भगवान अनंत। सुखदेव जी बोलते हैं इसके चार प्रकार नाम है, तुम्हारा हृदय जो बैठे हुए है वो आत्मा अर्थो अनंत। आत्मा प्रिय अर्थ अनंत, वो तुम्हारा प्रिय है, कोई भी संसार में और कोई तुम्हारा प्रिय नहीं है उनके माफी। जो सामने विराजमान है प्रिय के रूप में, वास्तव में वो तुम्हारा प्रिय नहीं है, वास्तव में वो तुम्हारा से स्वार्थ को निकालने के लिए तुम्हारा आसपास में घूम रहे हैं, प्रियजन होकर प्रियजन का बहाना लेकर तुमको अधिक प्यार करते हैं ऐसा बोलकर तुम्हारा आमने सामने घूम रहे हैं तुमको धोखा देने के लिए, तुमसे अपना स्वार्थ को निकालने के लिए।
लेकिन तुम्हारा हृदय के अंदर एक बैठे है प्रियो, आत्मा प्रियो अर्थो, वही अर्थ है और कोई इस संसार में अर्थ नहीं है। जो कुछ भी है हमारा पास वो अनर्थ है, लेकिन तुम्हारा हृदय में बैठे हुए हृदय राज भगवान कृष्ण वही एकमात्र अर्थ है जो तुमको काम में लगेगा, काम देगा, निरंतर काम देगा, जन्म जन्म तक काम देते रहेगा। सुखदेव जी ऐसा बोलते बोलते बहुत सारे शिक्षा उनको देकर बोला कि तुम अभी मेरा पास बैठे हो, मैं 7 दिन तक तुमको अनाधि निधन वही अंतर्जामी भगवान का लीला कथा सुनाएंगे, तुम केवल 2 कान मेरे को दे दो 7 दिन और तुम्हारा जयराम जी की हो जाएगा, तुम्हारा जो तक्षक दंशन से तुम्हारा मृत्यु है उससे हम बचा लेगा। इस तरह से दूसरा स्कंद में सुख परीक्षित संवाद कहते कहते सुखदेव जी सृष्टि के विषय में वर्णन करने के लिए ब्रह्म नारद संवाद ले आया। मैंने पहले दिन बोला भागवत और कुछ नहीं है, केवल सुखदेव वक्ता नहीं है, सुखदेव तो श्रेष्ठ वक्ता में से एक है, लेकिन भागवत पूरा गुरु शिष्य संवाद के अंदर, गुरु शिष्य होकर कोई प्रश्न पूछते हैं गुरु उनका उत्तर देते हैं। जैसे कि पहले दिन हम लोग शौनक ऋषि का प्रश्न 6000 ऋषियों के जो तरफ से सुतो गोस्वामी के जो प्रश्न सुतो शौनक संवाद, दूसरा स्कंद में परीक्षित सुख परीक्षित संवाद, सुख परीक्षित संवाद के अंदर सुखदेव गोस्वामी बोला कि किसी समय सृष्टि कार्य में इस संसार का सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रेरित किया था। ब्रह्म नारद संवाद, एक समय नारद ब्रह्मा जी के पास गए और कहते मेरा कुछ संशय है। तुम्हारा क्या संशय है बोलो बेटा? कहते हैं कि आप कभी कभी आंख बंद करके ध्यान लगाते, किसका ध्यान लगाते हैं? मैं तो आपको गुरु समझते, मैं तो आपको भगवान समझते हैं, आपके ऊपर भी कोई भगवान है क्या? आप बीच में ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले अरे नारद बेटा, तुमको ये बुद्धि नहीं है कि मेरा ऊपर नारायण है भगवान जिनके शक्ति से मैं ये सृष्टि किया, मैं तो सृष्टि करने का एक मशीन है, लेकिन मशीन का ताकत जो है वो नारायण से आता है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोलना शुरू किया ब्रह्म नारद संवाद, सृष्टि का बारे में बोला कि यहां पर कुछ नहीं था, अंधकार था और भगवान अपना नाभि कमल से ब्रह्मा जी को सृष्टि किया नारायण। सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा देखा कि अंधकार, कुछ नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं अकेला हूं। पद के नाल से वो नीचे जा रहे, एक बार ऊपर आ रहे, एक बार समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, कहां से मैं मेरा सृष्टि हुआ, समझ नहीं पा रहे। बहुत दिन तक ऐसा भगवान के नाभि कमल के नाल में, जो नाल चतुर्दश ब्रह्मांड है, जिसमें ब्रह्मा उसमें कभी ऊपर कभी नीचे आते आते अचानक एक शब्द उनको सुनने को मिला, तपह तपह तपह। ऐसा जब सुनने को मिला ये क्या शब्द है, ब्रह्मा बहुत बुद्धिमान थे, उनका 4-4 माथा है, बहुत पके हुए ब्रेन। कुछ देर बाद उनको मालूम पड़ा कि तप इसका मतलब मेरे को तपस्या करना होगा, वो तपस्या करना शुरू किया। तपस्या बहुत दिन तक तपस्या किए, तपस्या के फल स्वरूप भगवान ने बोला कि अरे ब्रह्मा
मेरा नाभि कमल से मैं तुमको जन्म दिया, ये सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि को बढ़ाना है। मैं आनंदमय हूँ, आनंद चर्चा ही मेरा धर्म है। और कहाँ बाजार से फूल ले आना, कहाँ परवल सब्जी ले आना, कहाँ गैस का सिलेंडर ले आना, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं तो आनंद चर्चा करता हूँ, गोलोक में बैठकर मेरा आनंद करना ही मेरा काम है। मेरा स्वरूप में कोई दुख नहीं है, मेरा स्वरूप में क्लेश नहीं है, मेरा स्वरूप में कोई भय नहीं है। मैं तो माया के द्वारा इस ब्रह्मांड को सृष्टि करेंगे, जहाँ पर शोक मोह भय ये जीव को सताते रहेंगे। क्यों आप जीव को सताने के लिए ऐसे रखा है? जीव को कर्म फल, जब ईश्वर को वो छोड़ देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, अपना भोग में लिप्त होते हैं, तो मेरा माया शक्ति उनको शरीर देकर शोक मोह भय के अंदर उनको गिरा देते हैं। त्रिगुणात्मिका माया सत्य रज तमो गुण के जाल में उसको बांधकर क्लेश भोग कराता है। ये मेरा सृष्टि। इस तरह से ब्रह्मा को बहुत समझाकर, वेद वाणी उपदेश देकर उनको सृष्टि करने का शक्ति दिया। और तभी जब नारद बोला कि तू आप जो कभी कभी मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, कभी तो आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं, तो आपका ऊपर एक कोई है? नारायण है मेरा ऊपर, जिनके नाभि कमल से मेरा जन्म है, भगवान ब्रह्मा। कभी गर्भस्तुति के अंदर बोल रहे हैं, गर्भोदशायी विष्णु का स्तुति में बोल रहे हैं, जे तू त्वदीयो चरणाम्बुज कोश ग्रंथम जिघ्रंति कर्ण विवरई श्रुति वातुनीतम भक्ताग्हित चरण परयाचते सां नापयिषिनाथ हृदयाम्बुरुवात् सपुंसाम। ब्रह्मा को भी अपना नारायण को स्तुति में भागवत में है, दूसरा स्कंद में, जेतु तदीय चरणाम्बुज कोश गंधम। ब्रह्मा जी अपना प्रभु का स्तुति में बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल के कोश भाग, कमल का पुष्प होता है, उसके अंदर पीला सा एक वस्तु होता है कोश, उसके अंदर आपके चरण कमल के कोश के अंदर सुगंध है, आनंद है, अमृत है। जेतु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधं जिघ्रन्ति कर्ण विवरई। इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी भक्त, कोई भी प्रेमिक, कोई रसिक, ऐसा कोई भक्त हो जो दोनों कान से आपका पाद पद्म का सुगंध, सुगंध को पान करता है, भक्तागीत चरण परयाचतेषां, उनके हृदय में भक्ति आकर उस भक्ति से तुम्हारा चरण को बांधकर हृदय के अंदर ले आकर बैठा देते हैं। भक्तागीत चरणा परयाचतेषां नपयिषिनाथो हृदयाम्। जब भक्ति के द्वारा भक्त तुम्हारा तुमको खींचकर हृदय में बैठा लेता है, तो आप उस हृदय से हिलने का आपको हिम्मत नहीं पड़ता, आपको भी भागते नहीं है। भक्त के हृदय के अंदर आप विश्राम करते हैं। तुम्हारो हृदय सदा गोविंदो विश्राम। गोविंद विश्राम लेते हैं। सागवान का लागड़ी में जो खाट बनाया हुआ है, छोटा सा मच्छरदानी है, उसमें छोटा सा तकिया है और दोनों तरफ साइड का तकिया है। हम तो भावना के द्वारा वहाँ पर भगवान को लेटाकर, घंटा हिलाकर, मंदिर का दर्जा बंद करके हम आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विश्राम अच्छा नहीं होता है। भगवान हमेशा सोचते हैं किसी निष्काम भक्त
केवल भक्ति से भरा हुआ ऐसा कोई भक्त जब हृदय में उसको भगवान को बुला लेते हैं, उनके हृदय मद भक्ता जत्र गायंती तत्तिष्ठामी नारद, भगवान का विश्राम है भक्तों के हृदय। हाँ बाप जैसा सकाम कामना से पीड़ित, निरंतर कुछ ना कुछ चाहिए, एक मांगा दिया तो दूसरा दिन आके और दूसरा चीज मांगने लग गया, तो तुम्हारा अंदर कमी का कभी कमी नहीं है। आज तो तुम बोल रहे थे मेरा लड़का का परीक्षा है पास हो जाए, कल फिर छह ठो केला ले आकर सामने रख दिया प्लास्टिक में बाजार से खरीद के ले आया, फिर आज बोल रहे कि मेरा लड़की का शादी ठीक से हो जाए, तो तुम्हारा कामना कोई कामना का कोई अंत नहीं है। एक तो भगवान जिनका नाम है अनंत, जिनका दया है अमन अनंत, जिनका क्षमा है अनंत, जिनके अंदर प्यार है अमन अनंत, तुम्हारा अंदर मांगने का काम है अनंत, और वो भी क्या चीज मांगोगे, यही संसारिक भौतिक वस्तु को मांगोगे, अल्टीमेटली जो चीज नष्ट हो जाएगा रहेगा नहीं तुम्हारा पास, वही चीज तुम रोज मांगते रहोगे, हमारा पास कैसे आएगा, परेशान होकर बोलेगा और नहीं इधर आएंगे। कभी कभी गौड़िया मठ के मंदिर से भी भाग जाते कि यहाँ ज्यादा सकाम भक्त आ गया, तो अभी कुछ देर के लिए हम घूम के आते हैं अयोध्यापुरी में, भगवान इतना परेशान हो जाते हैं सकाम भक्तों से। ब्रह्मा जी बोल रहे गर्भोदय साई भगवान अपना प्रभु का स्तुति में बोल रहे हैं, नापो इसी नाथ हिदुआम बुरात सब, तुम्हारा हृदय के अंदर से कभी भागेगा नहीं, भगवान का ऐसा धर्म है भक्तों के पास अपना वश्यता स्वीकार कर लेते हैं, भक्तों के पास अपने को हार मना लेता है, भक्तों के बस हो जाते हैं। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते 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 सृष्टि के आदि में वेद वाणी उपदेश किया, उस वेद वाणी जो भी उनको धर्म के विषय में ज्ञान मिला ब्रह्मा को नारायण से, शुरू में वो ओम शब्द से ये प्रणव मंत्र है, फिर ओम शब्द विस्तारित तो होकर गायत्री आया, गायत्री विस्तारित तो होकर चतुश्लोकी भागवत के रूप में आया, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। वो चतुश्लोकी भागवत बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा भागवत का निर्जास है, भगवान ब्रह्मा को बोल रहा है ज्ञानं मे परमं गुह्यं यद् विज्ञान समन्वितं स रहस्य तदङ्गं च गृहान् गदितं मया जावानहं यथा भावो यद्रूपो गुणकर्मक तथैव विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेव आसमेव अग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम् पश्चाद अहं जद एतच्च जो अवशिष्यते स्वस्महम्। पहले दो श्लोक में ब्रह्मा जी को बोल रहे भगवान, ब्रह्मा ज्ञानं मे परमं गुह्यं, बड़ा गुह्य ज्ञान मैं तुमको आज देंगे, जो विज्ञान समन्वित है, जड़ विज्ञान नहीं है, मेटीरियल साइंस का नहीं है, ये आध्यात्म विद्या के ज्ञान मैं तुमको आज दे रहा हूं। ज्ञानों में परमं गुह्यं जद विज्ञान समन्वितम्, तुम ठीक से सुनो, तुम धारण कर सकते हो, तुम्हारे अंदर धारण करने का शक्ति मैं ही दूंगा, मैं कैसा हूं, जावानहम यथा भावो मेरा भाव कैसा है, जद रूपो मेरा रूप कैसा है, गुण कर्म को मेरा गुण कैसा कितना प्रकार का है, मेरा कर्म क्या है अर्थात लीला क्या है, मैं तुमको बोल रहा हूं मेरा अनुग्रह से तुम इसको धारण कर सकते हो। ईश्वरेर कृपा लेश है तो जहारे सही से ईश्वर तत्व जानी बारे पारे, भगवान का कृपा लेश जिसको मिलता है वही ईश्वर तत्व को जान सकते हैं।
हम तो बैठ के सुन रहे हैं, कभी कभी मन हमारा दूसरा तरफ भटक रहा है, लेकिन जो भी कान से सुन रहा है हृदय में गांठ नहीं रहा, वहां से टपक के भाग रहा है। इतना हृदय पाषाण है कि वो हृदय उसको कैच नहीं कर पा रहा है। कोई कोई श्रद्धालु बहु भाग्यवान जीव भागवत गुरु मुझसे सुनते हैं, कान से प्रवेश करते हो हृदय में जाता है और हृदय में चपक जाता है, उस ज्ञान को कभी वो छोड़ता नहीं है। यदि ऐसा हुआ, भागवत का ज्ञान आपके हृदय में चिपक गया हो, जिंदगी भर आपको याद दिलाएगा कि हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि सर्वत्र है, सर्व समय पर है, और उनको श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना मनुष्य के श्रेष्ठ कर्तव्य है। भागवत पुनः पुनः घुमा फिरा के यही बात बोलते रहेंगे कि भगवान के कथा सुनो, भगवान के कथा बोलो, भगवान को समीरण करो, स्मरण करो, ये तुम्हारा जीवन में श्रेष्ठ फल देगा। इससे ऊपर कोई कर्तव्य, इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं बचा। इसलिए भगवान इच्छताम निनाम श्रोतव्यो कीर्तितव्यो ध्येयो पूज्यश्च नित्यदा, श्रोतव्यो कीर्तितव्यो स्मर्तव्यो इच्छताम अभयम्। तुम यदि अभय चाहते हो, हरि को सुनो, हरि को बोलो, हरि का स्मरण करो, इससे ऊपर और कोई बात नहीं है। जितना धर्म है, जितना कर्म है, सब उनके नीचे का बात बताते हैं, इसका ऊपर का बात नहीं। चौथे श्लोक की भागवत में ब्रह्मा क्या बोल रहा है, अहम एव आसम अग्रे नत सदसत परम। कार्य कारण इस संसार में कार्य है, कारण है, कार्य कारणात्मक जो भी दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं था, मैं सृष्टि के आदि में अकेला थी। अहम एव आसम एव अग्रे, सर्वप्रथम मैं आया, सृष्टि के आदि में मैं था, कोई भी वस्तु नहीं था, कोई भी प्राणी नहीं था। पश्चात अहम जो अवशिष्यति स्वस्महम, सृष्टि के बाद जो भी दिखाई पड़ रहा है वो मैं ही हूं, मैं सबके अंदर विराजमान हूं। और अवशेष सृष्टि जब अंत हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि जब नहीं रहेगा, मैं ही एकमात्र बचे रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, कृष्ण तत्व के बारे में बताया। दूसरा तत्व में माया के बारे में बोलते हैं, रीते अर्थं यत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि, यत विद्याद आत्मानो मायां यथा आभासो यथा तम। जब सूरज नहीं निकलते हैं, कोहरा से एकदम पूरा भर जाते हैं, एक मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा कुछ देर तक जो कोई खड़ा है दिखाई नहीं पड़ता। यथा आभासो यथा तमो, सूरज इतना प्रभावशाली होते हुए भी कोहरा के अंदर, और आप जब बादल हो जाते दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा ही हमारा माया, मैं सृष्टि के अंदर ओतप्रोत रूप से विराजमान हूं, लेकिन माया तुम्हारा सामने खड़े हो जाएगा, मेरे को तुम देख नहीं पाओगे। जैसे कि कोहरा में सूरज को दिखाई नहीं, 12 बज गया, 1 बज गया, सूरज है लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे अंधकार जथा आभासो जथा तम, माया भगवत शक्ति के विपरीत, तम अंधकार सदिश है, ये माया का स्वरूप बताया। फिर जीव का स्वरूप बताते हैं, यथा महांती भूतानी भूतेषु उच्चावचेषु
अनुप्रविष्टानी अप्रविष्टानी न तेसु तेसु अहम्। महांति भूतानी, पांच प्रकार का भूत है। ये भूत वो भूत नहीं है जिसको झाड़ने के लिए मंत्र पाठ करना पड़ेगा, आप लोग किसी के पास जाना पड़ेगा। ये भूत है, आप स्वयं एक भूत है, हम लोग एक एक भूत है, क्योंकि हमारा पास भौतिक शरीर है इसलिए हम भूत है। महाभूत, पंच महाभूत, खीति ओप तेज मरुद बोम, माटी जल वायु अग्नि आकाश। जैसे ये पांच चीज बाहर है, मट्टी दिखाई पड़ेगा, वायु दिखाई पड़ेगा आपको, जल दिखाई पड़ेगा, जैसे बाहर है ऐसा शरीर के अंदर है, ऐसे ही जीव शक्ति, जीव तत्व है, जीव शक्ति है। देखिए मैं एक जीव शक्ति हूँ, भगवान का शक्ति हूँ। देखा मेरा अंदर, मेरा बाहर जो शरीर है पंचभूत का बना हुआ है, लेकिन मैं ही पंचभूत का बनाया हूँ नहीं हूँ। वो जीव आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है, मेडिकल साइंस उसको फाड़ फाड़ के देख लेगा, कहीं पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। उनको दिखाई पड़ेगा हार्ट, लंग्स और लिवर, ये सब दिखाई पड़ेगा। वो जो कुछ भी देखेगा वो पंचभूत का बना हुआ चीज देखेगा, लेकिन कृष्ण के अंश जो जीवात्मा है वो इसके अंदर विराजमान है। सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव तत्व के बारे में भागवत कहते हैं, सूक्ष्मानामपि अहंग जीव। मैं जब बहुत ज्यादा छोटा हो जाता हूं तो जीव आत्मा के रूप में मैं, सूक्ष्मानामपि अहंग जीव, मेरा शक्ति ही, मेरा अंश ही जीव आत्मा है। जो इतना सूक्ष्म है आप उसको देख नहीं पाएंगे, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। आपका चेतन वृत्ति कहाँ से आ रहा है? आप हार्ट फेल कर गया तो आपका हाथ नहीं हिल रहा है, आंख नहीं हिल रहा है, आपका हार्ट फेल हो गया, लेकिन भीतर से चेतन शक्ति जो कृष्ण का अंश है वो निकल गया, उनका समय हो गया, आप बोल रहे कि हार्ट फेल कर गया, स्ट्रोक हो गया, लेकिन वो आत्मा निकालकर फिर दूसरा शरीर में प्रवेश कर। लास्ट श्लोक में बोलते हैं, चतुर्थ श्लोक की भागवत ये जीव तत्व के बारे में, और आखिर में बोलते हैं जो जीव का कर्तव्य क्या है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः जय जत अन्य व्यतिरिक्तम् सत् सर्वत्र। यही तो आपको जानना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। आप कौन है, भगवान कौन है, माया क्या है, ये सब तत्वों के बारे में जानने के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला। एतावदेव जिज्ञासम, कृष्ण कौन है, माया कौन है और हम कौन है, इस विषय में जानना ही आपका कर्तव्य है। और कोई कर्तव्य आपके लिए निर्धारित नहीं हुआ भगवान की तरफ से, आपके पिता माता के तरफ से निर्धारित हुआ बहुत कुछ। तुम शादी करो, तुम दुकान में जाके पैसा कमाओ, तुम नौकरी करो, ये आपका पिता माता के तरफ से आदेश है, लेकिन भगवान के तरफ से एक ही आदेश है, तद विज्ञानार्थम सद्गुरु में एव अभिगच्छेत। उपनिषद बोलते हैं भगवान को जानने के लिए, अपना स्वरूप को जानने के लिए, माया का स्वरूप को जानने के लिए सद्गुरु के पास जाओ। और समित पानी क्षत्रियं ब्रह्मनिष्ठम होकर तुम उस ज्ञान लाभ करो। गीता कहते हैं तद विद्धि पनिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनको परिप्रश्न करो, उनको पूछो और उनको सेवा करो। देखो भगवान क्या है, तुम कौन हो, माया का सृष्टि क्या है, ये तुमको गुरु ने तुमको ज्ञान दे सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मठ मंदिर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु संग। चतुर्श्लोकी भागवत में इस तरह से
भागवत का निर्जास ब्रह्मा जी को सुनाया नारायण ने, वही ज्ञान ब्रह्मा नारद को दिया, नारद से वेदव्यास को प्राप्त हुआ और वेदव्यास जी ने ये भागवत रचना किया और सुखदेव जी ने हम लोग के पास ये भागवत को समझाया, भागवत का व्याख्यान किया परीक्षित के माध्यम से, भागवत को भागवत के वक्ता के रूप में आए। दो स्कंद में तत्व के बारे में विशेष आलोचना हुआ। अभी लीला में धीरे धीरे अवतार कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले तीसरा स्कंद का जब कथा शुरू होता है तो विदुर मित्र संवाद शुरू होता है। विदुर महाराज जो महाभारत के एक विलक्षण चरित्र, उन्होंने किसी समय दुर्योधन के बाक्यबाण से पीड़ित होकर घर छोड़ के तीर्थ भ्रमण में चले गए थे। घूमते 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 उनको मैत्रेय ऋषि से भेंट हुआ और मैत्रेय ऋषि से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तो बिन्दत अन्नत उपारमंबा भूते ततैव दुःखम जदत्त युक्त भगवन वदेन्न। विदुर महाराज का प्रश्न है, जो हमारा हृदय के प्रश्न है वो खींचकर विदुर महाराज जी बोल रहे हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख प्राप्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं कि ऐसे ही हम लोग कर्म करते हैं? पैसा कमाना है तो एक अच्छा मकान बनाना है, एक अच्छा मकान बनाना तो शादी करना है, फिर बच्चा पैदा करना है, फिर उनको बढ़िया शिक्षा देना है। इस तरह से एक के बाद एक सुख का चर्चा करने के लिए हमारा कर्म। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तो ही बिन्नत अन्नत उपरमंबा, सुख तो प्राप्ति नहीं होता है, थोड़ा सा आता है आभास, और अन्य प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता, दुख पुनः पुनः भोते ततैव दुःखम। हम लोग तो कभी दुख को बुलाता नहीं है, निमंत्रण नहीं करते हैं, वो हमारे पास क्यों आते हैं? भागवत में ही प्रश्न आया, मैं सुख के लिए प्रचेष्टा करता हूं, जितना चाहता हूं उतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, उसी में मैं लुब्ध हो जाते हैं, उसी में हम मुग्ध हो जाते हैं और माया में पड़े रहते हैं। और जिस दुख को हम कभी नहीं बुलाया रोज पीछे पीछे घूमता रहता है। भूतेश तथैव दुःखम जदत्त युक्त भगवन वदन, इसका क्या कारण है ऋषिवर आप बताइए। विदुर महाराज प्रश्न कर रहे हैं तीसरा स्कंद में, भूतेश तथैव दुःखम, हम दुख के बाद दुख हमारा लिए इंतजार कर रहा है, कभी भी दुख हम चाहते नहीं है लेकिन दुख हमारा पास आ रहा है, सुख चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना नहीं आते हैं, थोड़ा आता है तो पीछे से दो चार दो डजन दस डजन दुख हमको धक्का मार के रोज रोज जाते हैं, इसका क्या कारण है? विदुर महाराज का प्रश्न में मैत्रेय ऋषि उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे इस संसार में वास्तव में तो सुख नहीं है और तुम सुख प्राप्ति के लिए तुम दौड़ रहे हो, सुख तो भगवान के चरण में है, भगवान को चरण को छोड़कर तुम जो भी काम करोगे दुख के बाद दुख एक एक बार लाइन देकर आते रहेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, सुख का आभास मिलना भी कठिन है, इस संसार में सुख है नहीं, जो सुख हम लोग भोग करने के लिए प्रयासी है वो भौतिक सुख है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। कोई कोई बोलता तो मेरा तो कोई कष्ट नहीं है, मेरे को तो पेंशन 30,000 रुपये मिलता है, मैं तो आराम से अपना दिन गुजार रहा हूँ, लेकिन वो क्या दिन गुजार रहा है, अंत में उसको मालूम हो जाएगा कि पेंशन जितना लिया उसका सूद का तस्स सूद भी निकाल लेगा भगवान, तुम भजन नहीं किया तुम सुख भोग करेगा, सुख तो मेरा चरण में है, तुम जिस वस्तु को लेकर सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो वो तो दुख स्वरूप है,
वो तो क्षणभंगुर वस्तु है, वो क्या तुमको सुख देगा। भागवत में ये सब तत्व का आलोचना हुआ। बाद में मैत्र ऋषि ने विदुर महाराज को भगवान का अवतार कथा सुनाया, वराह अवतार का कथा। भगवान वराह देव आए थे पृथ्वी को उद्धार करने के लिए। हरेक अवतार केशव धृतो वराह रूप, केशव धृतो मीन शरीर, केशव धृतो कुर्म शरीर। इस तरह से भगवान केशव युग युग में आकर पृथ्वी को रक्षा किया, दुष्टों का विनाश किया, भक्तों का आह्लाद प्रेम बढ़ाया। इस तरह से भगवान का काम है। भगवान वराह देव किसी समय भगवान ने वराह मूर्ति से ब्रह्मा के नासा रंध्र से आया। ब्रह्मा जी बात कर रहे थे और उनके नासा रंध्र से एक छोटा सा वराह मूर्ति आ गया। प्रभु का इच्छा, धीरे धीरे अपना शरीर को बड़ा किया, फैलाया। उस समय पृथ्वी नहीं है, पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर पृथ्वी डूब रहा था। भगवान वराह देव पानी के अंदर प्रवेश करते हुए अपना दोनों दंताग्र से पृथ्वी को उठाया और ऊपर आकर लेकर स्थापन किया। उसी समय रास्ते में उनको हिरण्याक्ष जो असुर थे, कश्यप और दीति, दीति और अदिति, अदिति के गर्भ से देवता लोग आए और दीति के गर्भ से असुर लोग पैदा हुए। किसी समय वैकुंठ के दारी जय और विजय दोनों वैकुंठ में रहते थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चतुष्सन नारायण से मिलने के जा रहे थे। सप्तम द्वार पर ये जय और विजय ये लोग दारी थे, ये लोग रोक लिया, बोला तुम लोग जा नहीं सकते ऊपर। क्यों? हमारा अन्याय क्या है कि तुम लोग दिगंबर है, कपड़ा पहना नहीं है, भद्र होकर तुमको जाना चाहिए प्रभु के पास। तो चतुष्सन ने साप दे दिया कि तुम दोनों यहाँ रहने के लायक नहीं हो, जाओ पृथ्वी लोग पर जाओ, असुर जनि को प्राप्त हो जाओ। वही दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आकर कृष्ण के हाथ से मृत्यु वरण करते हुए उद्धार पाए थे। वही दो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए। हिरण्याक्ष को बड़ा वो शक्तिशाली थे हिरण्याक्ष असुर। अपना शक्ति को तो खर्चा करना है, दिखाना है। हमारा जब पैसा बढ़ जाता तो बहुत बड़ा बांग्लो टाइप का मकान बना लेते, कितना करोड़ रुपया से, दिखाना है ना। हिरण्याक्ष रास्ते में चलते समय पूछते थे, क्या तुम मेरे से लड़ोगे? एक बार नारद मिल गया, नारद से पूछा, मैं किससे लड़ सकता हूँ? मेरा लड़ने का इच्छा हो रहा है लेकिन लड़ने का लायक कोई आदमी नहीं मेरे को मिल रहा है। अरे तुमको लड़ने के लिए आदमी नहीं मिला है तो मेरा पास है, तुम आओ। भगवान विष्णु के पास भेज दिया कि ये तुम्हारा लड़ने के लायक आदमी है। वही भगवान वराह रूप मूर्ति से हिरण्याक्ष के सामने खड़े हो गए और बड़ा प्रबल युद्ध हुआ, कई सालों तक युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान वराह देव उनको मार डाले और पृथ्वी को लेकर स्थापना किया। भगवान वराह देव ऐसे कल्प कल्प कई दो तीन वराह का एक सेत, वराह कल्प में सेत वराह के रूप में आए। इस तरह से बहुत सारे कथा है, लेकिन वराह अवतार का दो ही काम था, एक पृथ्वी को स्थापन करना है। ये हम जिस पृथ्वी में है इस साम्यावस्था में है, प्रभु का इच्छा नहीं होगा तो एकदम पानी में गिर के मरेंगे। इसको स्थापना किया, हम इसके ऊपर चलते हैं, हम इसमें कितना अत्याचार करते हैं मिट्टी के ऊपर,
ये धरित्री हमारा क्षमा गुण है, इसलिए हमारा अपराध को क्षमा करते हैं। वास्तव में ये पृथ्वी भगवान की इच्छा से एक स्थिति अवस्था में है, और वो स्थिति लाने के लिए भगवान वराहदेव आए थे, पृथ्वी को उद्धार किया एक काम, दूसरा काम हिरण्याक्ष असुर को वध किया था। तृतीय स्कंद में और एक लीला है कि कपिल और वराह, ये कपिल और देवहूति का कथा। मैं संक्षेप में जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। भगवान का एक अवतार है कपिल देव, उन्होंने शंख ज्ञान का प्रवर्तन किया। हम लोग अज्ञानी है, अज्ञानी अज्ञान के बस हम ईश्वर को भूल जाते हैं, अज्ञानता से बस होकर हम अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, अज्ञानता के बस में आकर हम अकर्म विकर्म करते हैं। ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, तो आप कभी भी भगवान को भूलेंगे नहीं, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, आप अपने को समझ सकेंगे कि मैं प्रभु के अंश हूं, प्रभु के संतान हूं। वो ज्ञान देने के लिए कपिल देव माता देवोहूति के उपलक्ष में इस संसार को ज्ञान दिया, जो कि भागवत में उसका वर्णन है कई अध्याय। जैसे ही कर्दम ऋषि के जो तपस्या के फल उनको मिला, अदिति के गर्भ में वो आए भगवान कपिल देव। कपिल देव आते ही उनका पिता अपना प्रव्रजा में तपस्या के लिए चले गए। उनका पत्नी देवहूति, पत्नी को कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रक्षा करेगा, ये तुम्हारा लड़का ये भगवान विष्णु के अंश से आया अवतार है, मैं इसलिए तुमको भगवान इनके हाथ में देकर जा रहा हूं। जैसे ही कपिल देव बड़े हुए तो माँ देवहूति उनसे प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न, कि आमी और आमार, मैं और मेरा, ये दोनों शब्द बड़ा डेंजरस है, ये शब्द से संसार का उत्पत्ति हुआ, वरना मेरा संसार नहीं रहता, मेरा कोई मोह नहीं रहता, मैं और मेरा ये दोनों का, दोनों शब्द को लेकर जहां पर मार्केट बैठता है वही उसी को संसार बोलते हैं, दोनों शब्द से संसार का उत्पत्ति। हम यहां पर आके क्या करते, ये मैं हूं अरे मेरा है, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा इस अभिमान से जो संसार है उस संसार से मुक्ति कैसे मिले, देवहूति का प्रश्न कपिल देव के सामने। हम लोग प्रश्न सुनते जाएंगे और उनका उत्तर सुनते जाएंगे, उसी से ज्ञान है। वो प्रश्न मेरा काम के लिए है, मैं बेफजूल मैं और मेरा ये अहंकार लेकर पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ से कभी भी निकल जाएगा, मैं भी निकल जाऊंगा या मेरा वस्तु निकल जाएगा, लेकिन झूठ अभिमान लेकर इस संसार में मैं टिके हुए हैं, और उसी टिकने के कारण भगवान निरंतर असली ज्ञान तुम खो दिया और तुम झूठ ज्ञान को लेकर पड़ा है, इसलिए भगवान दुख, दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख लाइन देकर भगवान लगा के रख देते हैं कि तुमको दुख से जर्जरित तो होकर तुमको ज्ञान का प्रकट कराना और मैं और मेरे से छुटकारा देना है। कपिल देव माता को उत्तर दे रहे हैं कि मैं और मेरा से जो बना संसार, इससे मुक्ति छुटकारा कैसे मिले। कपिल देव बोल रहे हैं, प्रसंगम अजरं पाशम ते उपि साधु सुकृतम मुख्य दारम अपावृतम। माता जी, हमारा संग खराब है,
हम असत संग कर रहे हैं। जो लोग इस भगवान को भूलकर संसार में डूबे हुए हैं, भोग में लिप्त हैं, हम उसी का निरंतर संग कर रहे हैं। प्रसंगम अजरं पासम तेऽपि असाधु कृतम मोक्षदारम अपावृतम तेऽपि साधु सुकृतम। हमारा असत व्यक्ति के संग ही बंधन का कारण है, और वही संग हम साधु के साथ करने लगे तो मोक्षदार में हम पहुंच जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा। हमारा स्त्री पुत्र परिवार ये हमारा संगी है। जो लोग खुद ही संसार में भोग के चक्कर में पड़कर हमारा आसपास में घूम रहे हैं, भगवान का चर्चा विहीन होकर घूम रहे हैं, भगवत चर्चा विमुख व्यक्ति वही असत व्यक्ति है। उसका जितना संग में उठना बैठना करेंगे तो आपको बंधन बढ़ता जाएगा, कभी आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। तेऽपि साधु सुकृतम मोक्षदारम अपावृतम। कविगण बोलते हैं कि जो बंधन प्राप्त है, जो हम और हमारा लेकर संसार में घूम रहे हैं, उसका संग जितना करोगे तुमको भी इस संसार में भटकना पड़ेगा। जिस समय तुम साधु संग करोगे, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को भजना करता है, उसके साथ बैठो, उसके साथ उठो, उसके साथ दोस्ती करो, देखना मुक्ति का द्वार तक तुम ऑटोमेटिक पहुंच जाओ। सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोसनात आसु अपवर्गणि श्रद्धा रोति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कपिल देव बोल रहा है साधु के संग में क्या होता है, सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदो, भगवान का बीर्जवती कथा, भगवान का तत्व कथा साधु के प्रसंग में आलोचित होता है, और आप उधर जाएंगे, आप उस कथा का सेवन करेंगे, साधु का संग करेंगे, साधु का वाणी को हृदय में धारण करेंगे, उस हिसाब से जीवन को चलाएंगे। भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा था जो सुना आंसु शीघ्र ही अपवर्ग वत्मनि, मुक्ति का जो द्वार है, पथ है, उस पथ में आपका श्रद्धा रति भक्ति आपको बढ़ना शुरू। साधु संग ही हमारा मुक्ति का कारण है, असाधु व्यक्ति का संग ही हमारा बंधन का कारण है। माता जी को समझा रहे कपिल देव। इस तरह से कपिल देव धीरे धीरे उनको भक्ति मार्ग का बात बताया कि माता जी आप भगवान का भक्ति करो। शुद्ध भक्ति, अकिंचना भक्ति, केवला भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं हो, जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो। मत गुणो श्रुति मार्तेन मई सर्व गुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसो अम्बुदौ। जैसे गंगा का धारा निरंतर बहते हुए समुद्र में अपना पति के संग मिलन होता है, ऐसे ही हमारा गुण सुनकर जिनका चित्त निरंतर हमारा पति धावित होता है वो शुद्ध भक्ति है। ऐसा भक्ति आपको इस संसार का बंधन से छुटकारा दे सकता है, वरना किसी उपाय से आप इस संसार का बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। मैं कहते हैं मेरा माता पिता बहुत बड़े हैं, बहुत पूजनीय है। मैं कहता हूँ मेरा भाई परिवार मेरा प्रिय है। मैं कहता हूँ कि मेरा स्त्री पुत्र मेरा प्यारा है। सब बंधन के कारण है। जो भागवत कहते हैं जो माता ईश्वर का भजन नहीं करता उसको त्यागो। भरत महाराज ने माता कैकेयी को त्याग किया। जो पिता ईश्वर का भजन करने का सहायता नहीं करते हो उसको त्याग करो। प्रहलाद महाराज ने पिता का विचार को त्याग किया। जो गुरु भगवान का सेवा में तुमको लगाता नहीं हो, अपना शिष्य को केवल खींचते हैं अपने तरफ दूसरी तरफ उसको भटकाते हैं,
वो गुरु गुरु नहीं है। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य जो बात को त्याग किया, भागवत उसका प्रमाण है। जग पत्नी गण को, जग पत्नी गण अपना पति को विचार को त्याग किया। वृंदावन में जब कृष्ण और बलराम अन्न मांगने के लिए वहां पर गए थे, तो जागिक ब्राह्मणी गण अपना पति का विचार को त्याग किया और कृष्ण के पास दौड़कर उनका सेवा किया। इस तरह से भागवत प्रमाण है। विभीषण भगवत सेवा के लिए अपना भ्राता को त्याग किया, पिता को, माता को, भ्राता को, पत्नी को, गुरु को त्याग किया, भागवत उसका प्रमाण। धीरे 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 बताएंगे। इसलिए कपिल देव माता देवहूति को बोल रहे हैं कि आप ईश्वर का भक्ति करें। इस संसार में माता पिता, भाई बहन, स्वामी पुत्र कुछ नहीं, ये केवल आपके कर्मों के अधीन होकर, आप कर्मों के अधीन हैं, कर्मों के बस होकर ये लोग आपके थोड़ा दिन के लिए आपके संगी बनकर आया और थोड़ा दिन में ये लोग अलग हो जाएंगे। इसके साथ मोह जाल में मत पड़ो, फंसो मत। ईश्वर के साथ प्यार करो, ईश्वर के भक्तों के साथ प्यार करो, साधु के साथ साधु संग करो। कपिल देवहूति संवाद में मुख्य बात देवहूति को बोले भगवान कपिल देव कि साधु संग, संग ही बंधन के कारण, संग ही मुक्ति के कारण। साधु के साथ संग करेंगे मुक्त होंगे, असाधु के साथ संग करेंगे आपका बंधन दशा आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सद व्यक्ति का संग करते, कभी असद व्यक्ति के साथ ज्यादा उठना बैठना, अपने को लेपट लेना ऐसा काम नहीं। अंत में जाकर कपिल देव माता देवहूति को गर्भवास, पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु, पुनरूपी जन्मं पुनरूपी मरणं पुनरूपी जननी जठरे शयनम, शास्त्र पुनः पुनः हमार करके बोलते हैं कि तुम पुनः पुनः इस संसार में आने चाहते हो। लेकिन गीता में कहते हैं भगवान, जानति देवव्रता देवान पितृन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्जा जानति मज्जाजिनोपि मम। क्लियर कट। हम लोग गीता तो पढ़ते ही नहीं है कभी। गीता कोई भाग्यवश हम घर में रख लेते हैं तो उसको मंदिर में कपड़ा ढक कर रख देते हैं, उसका वाणी को नहीं सुनते हैं, गीता का सार ढूंढते हैं। क्या गीता का सार है? अरे श्लोक सुनो ना, भगवान क्या बोलते हैं, साधारण उसका अनुवाद सुनो। कृष्ण बोल रहे हैं जानति देवव्रता देवान, तुम देव देवी का भजन करोगे तो स्वर्गलोक में जाओगे। पितृन जानति पितृव्रता, जब तुम पिता माता का सेवा करोगे तो अंतरिक्ष भूलोक है, भूलोक के ऊपर में भूवः, उसके बाद स्वर्गलोक में है, तो भूवलोक में जाओ। भूतानि जानति भूतेज्जा, और जो कुत्ता बिल्ली चिड़िया कबूतर उसका जो सेवा करेगा, अपना बच्चा का जो सेवा करेगा प्रेम से, उसको इस संसार में पुनः पुनः आना पड़ेगा। भूतानि जानति भूतेज्जा जानति मज्जाजिनोपि माम, और मेरा जो भजन करेगा, सुबह उठकर गौड़ीय मठ में आरती दर्शन करेगा, राधा रानी का जन्मदिन में आकर राधा रानी का दर्शन करेंगे, वो मेरा पास चले जाएंगे। भूत जानति मज्जाजिनोपि माम, मेरा जो भजन करेगा वो मेरा लोक में पहुंच जाएंगे, अर्थात वैकुंठ लोक में, गोलोक में पहुंच जाएंगे। कपिल देव माता देवहूति के बोलते हैं कि कर्मों के बस होकर भोग मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में केवल लाओ खाओ आनंद करो भोग करो, कपड़ा ले आओ खाना ले आओ सब्जी ले आओ, बढ़िया एक तो मकान खरीद के दो, ये बढ़िया एक तो साड़ी खरीद के दो, बढ़िया एक तो गहना सोने का लाओ, केवल भोग का वृत्ति को लेकर लाओ लाओ करते लोगे और पुनराय तुमको मृत्यु के बाद मातृगर्भ में जाना, वहाँ पर तप्त पंजर के अंदर कितना कष्ट भोग करने का, फिर जन्म लेना, भूमिष्ठ होना, फिर मृत्यु को, अंत में हमारा क्या है, दुख ही दुख है। ईश्वर भजन ना करने वाला
उसको मृत्यु के समय डर, मृत्यु के समय जमदूत का दर्शन होता है, मृत्यु के समय उसको नरक में जाना पड़ता है। तो मातृ गर्भ एक नरक है और मृत्यु एक नरक है, ये दोनों नरक जंतना को भोग करते 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 तुम त्रस्त हो जाओगे, उससे अच्छा तुम मेरा भजन करो। एक ओपिल देवोहिति का जो शिक्षा है, माता देवोहिति को ऐसा बोल दिया कपिल देव, चमत्कार हो गया कि चलो ठीक है, बंधन से मेरे को छुटकारा देने के लिए तुम मेरे को उपाय बता दिया। इस तरह से तीसरा स्कंद का कथा यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे जाकर चतुर्थ स्कंद का कथा हम लोग सुनेंगे, उसमें दक्ष और दक्ष प्रजापति के साथ भव जो शिव जी का झगड़ा, वो लीला वर्णन है और ध्रुव चरित्र का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद दक्ष यज्ञ का वर्णन है। हरिद्वार में जाएंगे तो दक्ष प्रजापति का मंदिर देखने को मिलेगा, और कोई नहीं। दक्ष ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किए, सायंभुव मनु शतरूपा, इस तरह से वो मुनि ऋषि लोग आए, उसमें प्रजापति को सृष्टि किया। दक्ष जो सृष्टि कार्य में बड़ा एक्सपर्ट है, उसका नाम है दक्ष। दक्ष प्रजापति का बड़ा ही प्रभाव, और किसी समय वो यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और उससे पहले उनका शिव जी का साथ झगड़ा हो गया। कैसे झगड़ा हुआ कि किसी समय उन्होंने अपना दामाद को, दक्ष के जो लड़की है उमा, उनके साथ पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था। अपना दामाद को बुलाया किसी यज्ञ में, दामाद आया और शिव जी भीतर में बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए तो उठकर खड़ा होकर अपना ससुर का सम्मान नहीं किया, शिव जी का यह अपराध हो गया और उससे विवाद खड़ा हुआ। बहुत दिन तक विवाद रहा, चलता रहा विवाद, जैसे कलयुग में विवाद का कोई अंत नहीं है, अनंत विवाद, कलह, कलह प्रियता। कलयुग में मनुष्य के अंदर एक मस्त बड़ा गुण है कि निरंतर कलह को प्यार करेंगे, कलह प्रियता है। दक्ष प्रजापति और शिव जी के अंदर कलह का सृष्टि हुआ, तब से शिव जी उनसे बात नहीं करते और दक्ष प्रजापति भी अपना दामाद को बुलाते नहीं, असम्मान किया। शिव जी कहते मैंने असम्मान नहीं किया, मैंने तो सभा में बैठे हुए थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे, और कब आया दक्ष हमने देखा नहीं, हमने सब लोग उठ के खड़े हो गए लेकिन हमने भगवान के भाव में थे, हम समझ नहीं आया, हमने कोई अन्याय नहीं किया। जब भगवान को याद करता है तो सबका सम्मान कर लेते हैं, भगवान का याद से सबका सम्मान हो जाता है, तो दक्ष बेकार बेकार हमसे झगड़ा कर रहा है। वही कारण बना सती अपना शरीर को छोड़ा। जब बृहस्पति आसव यज्ञ किए, बहुत बड़ा यज्ञ, उसमें यज्ञ स्थल में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीन का यज्ञ भाग होता है, आसन होता है, दक्ष प्रजापति यज्ञ किया, शिव जी का आसन नहीं लगाया, केवल उसमें विष्णु का आसन है और ब्रह्मा जी का आसन है, तो अनिष्ट हो गया। आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ का जो मूल मालिक है तीन, उनका आसन नहीं देंगे, तो शिव जी का साथ झगड़ा था, उस शिव जी का आसन नहीं दिया। इधर उस यज्ञ देखने के लिए सबसे छोटी लड़की है दक्ष का, ये जो उमा, ये कहते कि मैं तो जाऊंगा, शिव जी से परमिशन ले रहा है। शिव जी बोलते कि तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा पिता के साथ मेरा झगड़ा है, तुम जाओगे तुमको प्यार नहीं करेगा, मेरा साथ संबंध होने के कारण तुम जाओगे, मेरा बात नहीं सुनोगे, अनर्थ खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन वो
पिता माता का दर्शन होगा, बहन लोगों का दर्शन होगा, जैसे कि हम लोग में होता है। बिना परमिशन उमा देवी उस अपना पिता के यज्ञ में चले गए। जैसे ही जाकर वहाँ पर यज्ञ में देखा कि हमारा पति का भाग नहीं है, तो अपना एकदम कि हमारा पिता हो चाहे जो हो, लेकिन हमारा पति का असम्मान करने वाले हम उनको देख नहीं सकते हैं, वो अपना शरीर को छोड़ दिया। सती उमा देवी अपना शरीर को छोड़ दिया और फिर अनर्थ हो गया। शिव जी आया, खबर मिला और सती देवी का शरीर को लेकर संसार में घूमते रहे। और जो 51 पीठ बोलते हैं सती का अंग, जहाँ जहाँ गिरा भारतवर्ष में वो तीर्थ है, देवी पीठ है। इधर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति का ऊपर अपना शिव का जो नंदी भिंगी जितना सब थे वो वहाँ एकदम जगों को भंग कर दिया, मारो काटो ऐसा करते करते आखिर में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। हाहाकार पड़ गया, यज्ञ समाप्त नहीं होगा। यज्ञों का जो होता है वो दक्ष है, वो अगर अंतिम में उसका वो ये नहीं देगा, यज्ञ का समाप्ति में जो होता है वो नहीं देगा, तो यज्ञ समाप्त नहीं होगा। फिर किसी तरह से ब्रह्मा आए और ये सब आए, फिर एक छाग का मुंड को काटकर दक्ष को प्राणदान किया, उसके बाद यज्ञ का समाप्ति हुआ। लेकिन इस घटना चक्र में एक काम, एक ऐसा सृष्टि में एक अनर्थ सृष्टि हो गया कि ब्राह्मण लोगों के ऊपर अभिशाप दिया शिव के अनुचर कि ब्राह्मण लोग कर्मकांडी हो जाएगा, भगवत भजन नहीं करेगा। कलयुग में देखिएगा, ब्राह्मण सब कुछ खाएंगे, सब कुछ ये करेंगे, पूजा नाम मात्र करेंगे और किसी जीव को कल्याण के लिए हित उपदेश नहीं करेंगे, केवल अपना दक्षिणा का हिसाब कर लेंगे। ब्राह्मण पुराण में ऐसा कथा है कि सत्य युग के जो लोग सब ब्राह्मण थे, कलयुग में सत्य युग में जो लोग राक्षस थे, कलयुग में वो लोग ब्राह्मण होकर जन्म लेगा। राक्षसाम कलिमाश्रित, कलयुग के ब्राह्मण सब राक्षस के अवतार है। और इधर दक्ष के जो पक्ष में थे भिगु, उन्होंने अभिशाप दिया कि शिव का पूजा करने वाले ये सब पाषंड हो जाए, पाखंड। देखिए, शिव जी का पूजा करने वाले वास्तव में शिव जी कृष्ण के भक्त है, शिव को ईश्वर मानते, भगवान मानकर चलते, तो उसका पखंड धर्म गांजा पिएगा, भांग पिएगा किएगा और उसी से शिव जी भगवान भगवान करते रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान का, कृष्ण का तीन गुण का अवतार है, रजोगुण में ब्रह्मा, सत्व गुण में विष्णु, तमोगुण में शिव जी आया। लेकिन उस सबको भगवान भगवान बोलते हैं, हम लोग सिद्धांत नहीं जानते, शिव जी भगवान है। शिव जी कभी भगवान नहीं है, शिव जी का भगवत्ता कृष्ण के भगवत्ता के अधीन है। जब शिव जी को आप कृष्ण का भोग लगाकर शिव जी को भोग देंगे, वो ज़्यादा संतुष्ट होंगे, और शिव जी को अलग से भगवान मानकर करेंगे, वो क्या धीरे धीरे वो पाखंड हो जाएंगे, उसको ऊपर भगवान का कृपा नहीं होगा। कोई कोई व्यक्ति को शिव मुक्ति दे सकता है यदि वो कृष्ण भक्ति उसके साथ करता हो और शिव को प्यार करता हो, तो उसको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन जो कृष्ण को भगवान नहीं मानकर शिव जी का पूजा करता है, उसका पाखंड, उसका हृदय पसंद हो जाता है। भागवत का यही प्रसंग से ब्राह्मण का स्वरूप और शिव पूजक जो शिव को अलग से ईश्वर मानते हैं, स्वतंत्र ईश्वर बोध करते हैं, वो वास्तव में वो पाखंड धर्म को जाजन करते हैं और उसका वास्तव में उसको संसार से मुक्ति नहीं मिलता। इस तरह से दक्ष यज्ञ, दक्ष प्रजापति, उन्होंने बहुत प्रजा को सृष्टि किया। एक समय नारद ने देखा कि दक्ष तो बहुत बच्चा लड़का को पैदा करा, इसको सबको ब्रह्मचारी बना दिया जाए। नारद ने जब दक्ष
बहुत सारे लड़का जब सृष्टि करता है, हजारों में सृष्टि करता है, तो एक दिन 1000 लड़का दक्ष का बैठ के अपना कुछ अध्ययन कर रहे थे और दक्ष कहीं काम में गए थे। नारद वहां पर पहुंचे, बोले अरे क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, ईश्वर का भजन करो नहीं तो इस संसार में क्लेश ही क्लेश है। ऐसा नारद ने मंत्र पढ़ा दिया, उस सब के सब ब्रह्मचारी बनकर भाग गया, दक्ष से एकदम परिवार से भाग गया। ऐसा 2-3 बार हुआ, दक्ष देखा अरे हम इतना बच्चा तैयार करते हो कहाँ जाता है, तो उनको जब मालूम हुआ कि ये नारद हमारा काम को बिगाड़ रहा है, तो नारद को उसने वो अभिशाप दे दिया कि नारद तुम मेरा परिवार में झगड़ा बांधा रहे हो, तुम मेरा परिवार में अशांति फैला रहे हो, तुम दुनिया में कहीं टिक नहीं सकते हो, तुम भ्रमण करते रहोगे भ्रमण करते रहो। नारद ऋषि बोला कि तथास्तु, बहुत अच्छा हुआ दक्ष आपने जो मेरे को साप दिया, मैं तो एक जगह पर रहना नहीं चाहता है, मैं तो घूमना चाहता हूँ, मैं तो हरि का नाम सुनाना चाहता हूँ, ये मेरा लिए तो बर हो गया, आप क्या साप दिया। इस तरह का कथा भागवत में वर्णन है। इसके आगे जाके हम लोग ध्रुव महाराज का चरित्र, पहला भक्त सकाम भक्त का चरित्र भागवत में वर्णन है। इससे पहले 2 अवतार कथा आया, वराह देव और कपिल देव। भक्त चरित्र भागवत भक्त चरित्र से भी भरा हुआ है, भगवान का अवतार कथा और भगवान का भक्त का चरित्र भागवत में भरा हुआ है। पहला भक्त का चरित्र है ध्रुव महाराज का कथा। ध्रुव महाराज सकाम भक्त थे, लेकिन बाद में वो निष्काम भक्त में ट्रांसफर हो गए, परिवर्तित हो गए। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोले थे शुरू में ही, अकामो सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजते पुरुषं परम। यदि कोई जिसका अंदर कोई कामना नहीं है, निष्काम है, अकाम, यदि कोई ऐसा है कि बहुत प्रकार का उनका डिमांड है, सर्व काम ए लियाओ वो लियाओ वो लियाओ, और मोक्ष कामो जो मुक्ति चाहता है, तीनों के तीनों अगर कृष्ण को तीव्र से तीव्रता के साथ भजन करेंगे तो अकाम भाव समाप्त होकर वो कृष्ण के प्रति प्यार आ जाएगा, सर्व काम होने से उसका सब काम से वो मुक्त होकर भगवान के चरण में दास बन जाएंगे, और मोक्ष कामी भी आएंगे वो उसको भी भगवान धीरे धीरे अपना भक्त बना ले। अर्थात किसी भी कैटेगरी से आप आइए, लेकिन कृष्ण को सच शुद्ध भक्ति करो तो निश्चित रूप से आपका सब प्रकार का अनर्थ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्रुव महाराज का चरित्र, स्वयंभुव मन्नन स्वयंभुव मनु, मनु से मानव जाति आया, सतरूपा उनका पत्नी, जो पहला स्त्री और पहला पुरुष, उन दोनों से 2 लड़का हुआ, प्रियव्रत और उत्तनपाद। उत्तनपाद के 2 संतान है, ए उत्तम और ध्रुव, उत्तनपाद के 2 संतान। कोई कहानी नहीं है, कोई गल्प नहीं है कि बना, भागवत में मूल फैक्ट सृष्टि के आदि से आ रहा है। 2 पुत्र, एक उत्तम और एक ध्रुव। उत्तम 2 पत्नी, उत्तानपाद के सुरुचि के पुत्र उत्तम और सुनीति के पुत्र ध्रुव। और उत्तानपाद राजा थे, किसी समय सिंहासन में बैठे हुए थे, उत्तम जाके पिताजी के गोदी में गोद में बैठ गया सिंहासन के ऊपर, बहुत आनंद आ रहा था पिताजी के गोद में बैठे। अचानक वहां पर ध्रुव महाराज पहुंचे, बच्चा है 5 वर्ष के बालक है, वो भी सोचा कि पिताजी के गोद में मैं भी बैठ जाऊं, वो बड़ा ऐसा आकुति दिखाया, पिताजी मेरे को गोद में लीजिए। तब तक उनका बीमाता सुरुचि आकर कहते हैं ध्रुव सावधान, इधर बैठना नहीं, मेरा लड़का उधर बैठे, तुमको अगर बैठने का बड़ा इच्छा है तो मेरा गर्भ में क्यों नहीं आए, अभी काम करो,
अगर तुम्हारा मन में इच्छा है तो इच्छा पूर्ति हो जाएगा। आराधयो अधोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छा से निपासनम। राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तुम पद्म पलाश लोचन हरि का उपासना करो, उपासना कर कर मेरा गर्भ में जन्म लो, उसके बाद तुम इस सिंहासन में बैठने का इच्छा करो। तो बड़ा एकदम रोना शुरू कर दिया, अरे भीमाता डांट दिया। रोते रोते अपना माता के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति कहा कि तुम्हारा क्या हुआ, किसने तुमको डांटे? बोला कि हमारा भीमाता ने डांट दिया। क्या बोला, तुम क्या गलती काम किया, गलत काम किया होगा, गलत काम करने से तो डांटते हैं। कहते हैं कि मैंने, मेरा भाई उत्तम पिताजी के गोद में बैठे हुए थे, मैं पिताजी के गोद में बैठने चाह रहे थे, लेकिन मेरा बीमाता ने बोला कि तुम पद्म पलाश लोचन कमल नयन, जो भगवान के पद्म पुष्प के पापड़ी के शोभा युक्त जिसका आंख है, उस भगवान का तुम भजन करो, भजन करके मेरा गर्भ में जाओ। बड़ा लंबा काम है। माता सुनीति बोला कि भीमाता तुमसे तो कोई खराब बात नहीं किया, अच्छा बात है। और माता होते वो डांट देता, गाली देता, तुमको तो सीधा रास्ता बोल दिया कि भगवान का भजन करो यदि तुमको सिंहासन के सिंहासन में बैठने का इच्छा हो। वही एकमात्र आशा को पूर्ण कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी माता पिता भी जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडायते, जन्मदाता पिता माता भी हमारा प्रारब्ध को खंडन नहीं कर सकता है। ईश्वर एक तत्व है जो सर्ववांछा पूर्ण कर सकते हैं। तुम उसका भजन करना ही, तुम्हारा बीमाता कोई बुरा बात तो नहीं बोला, तुमको भगवत भजन के लिए बोला, तुम वही करना उचित है। जब बड़ा हो, बड़े हो जाओगे तो भगवान का भजन करोगे, उसके बाद भगवान से मांग लेना कि मैं राज सिंहासन चाहते हैं, तो वो दे देगा। क्षत्रिय का लड़का है, पंचम वर्षीय बालक ध्रुव महाराज की दोनों माता का एक ही बात है। अंदर में सोचा कि जब भगवान का ही भजन करना है तो घर में क्यों रहना है, निकल जाते हैं। गुप्त रूप से एकदम निकल पड़े और जंगल में चले गए, बड़ा जिद कि प्रभु का भजन करेंगे और सिंहासन में बैठेंगे। जंगल के अंदर एकदम जहाँ पर शेर भल्लूक वगैरह रहता है, वो तो भगवान देखा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा भजन करने के लिए और जानवर उसको खा लेगा कि भगवान उसको रक्षा नहीं कर पाए। भगवान जल्दी नारद को भेज दिया कि जाओ उसको कुछ गाइड करो तुम। नारद वहाँ पर पहुँचे, नारद कहते हैं ध्रुव तुम कहाँ आए हो, इधर किस लिए आए हो? कहते हैं मैं भगवान का भजन करने के लिए आया। अरे भगवान का भजन? सबई दुराराध्य मतो मम, मेरा मत है, मेरा विचार है, भगवान का भजन करना बड़ा कठिन काम है, सहज काम नहीं। सबई दुराराध्य मतो मम, भगवान का भजन करना इतना आसान है कि हत्ती लोग लगा दिया और चटी राग लिया, इतना आसान नहीं है। कोई आसान ना समझे, दुनिया में एक तो मकान बनाएंगे या फ्लैट खरीदेंगे 15 लाख रुपया से, उसमें कितना 10 साल 20 साल मेहनत करेंगे, 10 लाख रुपया इकट्ठा किया, वो फिर लोन लेकर फिर आप भरना पड़ रहा है 30 साल 25 साल एक तो मकान बनाने के लिए, और भगवान इस संसार का मालिक उनको पाने के लिए इतना आसान? सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो भगवान उनको पाना, सबसे कठिन, सबसे कठिन साधन करना पड़ेगा आपको। नारद बोला ध्रुव तुम घर चल जाओ, जाओ अभी बड़ा होने पर मैं तुमको सहायता करूंगा, मैं तुमको मंत्र देंगे, मंत्र का साधन करना पड़ेगा, बड़ा कठिन साधन है, ये उम्र नहीं है, जाओ अभी 5 साल का बच्चा कैसे, भागवत दिखा रहे हैं कि 5 साल में भगवान को प्राप्ति हो सकता है। हमारा संसार में कहावत है ना कि हरि नाम करना है तो बुढ़ापा जब आ जाए, 60 बीत जाए 70 भी चलेगा,
दुकान में बैठते बैठते पैसा नोट गिन रहा है, चलो 70 साल हो गया उसके बाद करो। भागवत कहते हैं मातृ गर्भ में रहकर भजन शुरू होता है। प्रहलाद महाराज का चरित्र बताएंगे और ये ध्रुव महाराज का चरित्र, जब 5वें वर्ष के बालक जंगल में आया, नारद जी को बोला, नारद जी, पंडित जी, मुनि जी, आप अपना घर में जाइए, मैं तो दूसरा काम, जो मेरा काम के लिए आया मैं अपना समझ लेंगे, आप अपना रास्ता देख लीजिए। इतना उनके अंदर विलिंग पावर था कि नारद जी को बोला कि आप घर जाइए, मैं घर नहीं जाऊंगा। नारद जी देखा ये तो क्षत्रिय का लड़का है, ये तो सुनेगा नहीं बात, चलो इसको कल्याण करने के लिए भगवान मेरे को भेजा, तो मैं मंत्र दे देता हूँ, ध्रुव तो इस मंत्र का जप करो, तुमको भगवान मिल जाएगा। गुरु ने कृपा करके उनको मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। मंत्र का अंदर शक्ति है, हम कहाँ जप करने के लिए, हमारा टाइम नहीं है। गुरु से अगर मंत्र मिलता है बोलते जप करने का टाइम नहीं है। नारद मंत्र देकर भाग गए। ध्रुव महाराज ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते वृंदावन में मधुवन में जाकर पहुंच गए। कोई छोटा मोटा जगह नहीं था, मधुवन, मधुदत्त का वहां पर आवास था। वृंदावन धाम तो है, बड़ा चमत्कार धाम है, वहां पर मधुवन में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ज्यादा देर नहीं करना है, हमको कठिन तपस्या करना है। तपसारद्ध पुरुषम यदि इच्छसे निपासनम, तपस्या के द्वारा उस प्रभु को उपासना करो जो तुमको इस आसन में बैठा सकता है। तपसारद्ध पुरुषम, भगवान को भजन करने के लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए। कुछ त्याग नहीं करेंगे, सब कुछ खाएंगे, एकादशी में चावल और रोटी पराठा बना के खाएंगे, आलू का पराठा और हरि नाम करेंगे, हो जाएगा? आपको त्याग करना पड़ेगा। कौन इतना त्याग कर सकता है? अरे बहुत शरीर दुबला हो जाता है, व्रत करते हैं तो एकदम व्रत के समय पर और मंत्र का तरफ ध्यान नहीं जाता, केवल खाने का तरफ मन है। कब भीमसेन एक बार व्रत किया था, आप लोग को मालूम है, कथा आता है भीमसेन, वो तो बहुत शरीर भारी है, खाते थे, तो कुंती बोला कि सब भाई एकादशी करते हैं, तुम एकादशी नहीं करेगा? बोला नहीं, मैं एकादशी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को खाना देना होगा और इतना हांडी हांडी भर के लेना पड़ेगा, मैं व्रत नहीं कर सकता। बहुत समझाया कुंती देवी, अरे तुम एक बार व्रत कर लो। बोला ठीक है, हम 12 महीना में एक व्रत कर लेंगे, चल जाएगा? बोला अच्छा वही करो। तो उस दिन व्रत शुरू कर दिया उसने। खाने का भंडार वहां पर कोई आदमी आना जाना नहीं कर रहा, डाइंग रूम फ्री, डाइंग रूम में कोई नहीं आ रहा है, परसरा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। धीरे धीरे पेट में जलन आया, बहुत जलन आ रहा है। फिर संध्या हो गया, यहाँ माता जी बोलता है कि धूप बत्ती लगाओ और प्रणाम करो। चलो प्रणाम कर लिया, लेकिन देखा रात खत्म नहीं हो रहा है। वो सुबह 2 बजे रात को वो पेड़ को हिलाना शुरू किया कि पाखी पक्षी तो तुम लोग अब बोलना शुरू करो, कम से कम लोग समझ जाए कि सुबह हो गया और मेरा खाना आएगा। ये है भीमसेन का व्रत। तपसा आराध्य पुरुषम यदि इच्छसे निपासनम, हमारा भारतवर्ष में ऐसा विधान है, व्रत करो, तप करो, पूजा करो, अर्चना करो, ये विधान है, हरि को पाने के लिए सब नियम है। ध्रुव महाराज क्या किया, उन्होंने हर 3 दिन में एक बार खाना खाना शुरू किया, 3 दिन में एक बार, और हम लोग आजकल एकादशी में 3 बार, एक दिन में 3 बार खाते हैं, कभी फल खा लिया, कभी मूंगफली और कभी आलू और पपिया का सब्जी, पेट भर के हम लोग व्रत करते। और ध्रुव महाराज पहला मायना 3 दिन में एक बार खाना, दूसरा मायना 6 दिन में एक बार खाना, तीसरा मायना में 12 दिन में एक बार खाते थे, चौथा मायना इस तरह से गया 9 बार, 9 दिन में एक बार खाना, फिर 12 दिन में एक बार खाना,
फिर पंचम पांचवा मायना में खाना बंद कर दिया और ऐसा सांस लेते लेते वो तपस्या कर रहे भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहे। उसके बाद छठा मायना जब आया, एक पैर में खड़ा हो गए, सांस को रोक लिया, सांस भी नहीं लेंगे। तब जाके जैसे सांस बंद कर दिया तो भगवान का गदी वैकुंठ में हिलने लगा, बहुत ताप, तपस्या का ताप, वो देवता लोक तक पहुंच गया स्वर्गलोक में। देवता लोग बोले यहाँ गर्मी कहाँ से आ रहा है, तो किसी ने बोला कि नीचे कोई मर्त लोग में एक बच्चा तपस्या कर रहे, पंचम साल पांच वर्ष के बालक तपस्या कर रहा है। फिर नारायण उधर चंचल हो गए, लक्ष्मी देवी पूछ रहे कि आप इतना चंचल क्यों हो गए, बोलता मेरा एक बच्चा वहां तपस्या कर रहा है, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं, मेरे को जल्दी ही जाना है, नहीं तो बच्चा मर जाएगा तो मेरा ऊपर विश्वास टूट जाएगा। नारायण जल्दी अपना ड्रेस पहन के एकदम गरुड़ के पीठे बैठकर उधर वो जो मधुबन में पहुंच गए। जैसे भगवान सामने आया, ध्रुव महाराज भीतर में अपना ईश्वर को दर्शन किया, फिर आंख खोला देखा कि भगवान नारायण खड़े, प्रणाम किया। भगवान ने बोला कि ध्रुव तुम्हारा कल्याण कल्याणमस्तु। बाद में नारायण कहते कि ध्रुव तुम इतना कठोर तपस्या कैसे किया, किस लिए किया, क्या इतना काम पड़ गया। तो ध्रुव महाराज बोलते कि मैंने तपस्या किया, मैं तो बाद में आपको बताएंगे किस लिए तपस्या किया, मैं प्रेम से आपको थोड़ा दर्शन कर ले, प्रेम से आपको प्रणाम कर ले और बात कर ले, उसके बाद बताएंगे हमने क्यों प्रणाम किया। अंत में जाके ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैंने तपस्या किया इसलिए, जिसलिए मैंने तपस्या किया उससे कई ज्यादा गुण अधिक मेरे को वस्तु मिल गया, इसलिए मैं किस लिए तपस्या किया आपको बताएंगे नहीं। अरे क्या बात हो गया, तुम बताएगा नहीं किस लिए, मैं जब आया तो मैं तो तुमको देने के लिए आया, तुम किस क्या क्या तुम्हारा तपस्या का कारण है बताओ। ध्रुव महाराज बोला कि मैंने जिसलिए आया था, मैं सीसा ढूंढने आए थे यहां पर और मेरे को कंचन सोना मिल गया, तो मैं आपको क्या मांगू, मैं सीसा ढूंढने के लिए यहां पर आया था जो कि बेकार चीज है और मेरे को सोना मिल गया, मैं और क्या बोलूं आपको। कहते हैं नहीं ध्रुव तुमको बोलना पड़ेगा। ध्रुव बोला कि मैंने नहीं बताऊंगे, मैं जिस वस्तु के लिए आया था आपको मिल गया, मेरा सर्व लाभ हो गया और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बरंग न जाचे, मैं बर नहीं मांगूंगा आपसे। ध्रुव को नारायण ने स्तुति करने के लिए बोला, फिर बाद में बोला तुम कुछ बर ले लो, मेरा दर्शन तो व्यर्थ नहीं होता है, मैं जिसको भी दर्शन देता हूं उसको कुछ देके जाता हूं, तो तुम बर मांग लो। तो ध्रुव महाराज बोला कि नहीं, आपको मिलने के बाद मेरा मन में कोई इच्छा नहीं है। तब जाके नारायण बोले कि हम जानते हैं तुम पिताजी का सिंहासन में बैठने के लिए तुम यहाँ पर आए, और तुम्हारा अंदर जो कामना है वासना है उसके लिए तुमको संसार में जाना पड़ेगा। तुम जब जाओगे घर, गौतम निरुद्देश हो जाएगा, तुम्हारा पिता का मृत्यु हो जाएगा और आखिर में तुमको ही राजा बनना पड़ेगा, उस सिंहासन में बैठने का लिखन जो है तुम्हारा नाम में लिखा हुआ है, तुम जाओ घर में और मेरा भजन करना, भजन करते करते तुम शासन करना पृथ्वी को, फिर मैं तुम अंत में तुम मेरा लोक प्राप्त कर लो। ध्रुव के नारायण के कहने पर ध्रुव महाराज घर में वापस गए और जैसे जैसे कहा ऐसा ही हुआ। ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष उनको इस पृथ्वी को शासन करना पड़ा। आखिर में जब उनका मृत्यु का समय हुआ, मृत्यु आया, ध्रुव महाराज उनको सम्मान किया, डरे नहीं और मृत्यु के ऊपर एक पैर रखकर उन्होंने परम धाम वैकुंठ में आरोहण किया। एक 5 साल का बच्चा मृत्यु के मस्तक में पैर रखकर इस संसार से निकल गए और हम लोग सोचते रह जाएंगे
कि भगवान को भजन नहीं करेंगे। ध्रुव महाराज का चरित्र इसलिए वर्णन है कि देखो, भजन करने के लिए कोई साल का पाबंदी नहीं होता है। जब भी तुम्हारा ज्ञान हो जाए, जब भी तुमको साधु मिल जाए या गुरु मिल जाए, तब से भजन शुरू करो। और भजन करना है तो ढिलावी, उसमें ढिलाई मत दो। भजन करना है तो ध्रुव महाराज जैसे भजन करो और परम गति को प्राप्त करो। ध्रुव महाराज ने दिखाया कि कैसे उम्र का हिसाब नहीं रहा और परम गति को प्राप्त कर लिया। बोल ध्रुव महाराज की जय। वंशा कल्पतरु भ्य कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवे भो।